हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी खीमा फ्राई, जो मैं मेरे स्टाइल में बनाने वाली हूँ। चलिए जानते हैं इसको बनाने का तरीका। और इस वीडियो के लास्ट में मेरे भाई ने थोड़ी सी रिसर्च करके आप लोगों के सामने खीमा फ्राई की हिस्ट्री लेकर आएंगे, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा, इसे भी जरूर देखिए। वालेकुम दोस्तों, खुशबू बटन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त नसीम सुल्ताना। आज हम बनाने वाले हैं खीमा फ्राई। खीमा फ्राई के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो ये है: हरा धनिया, एक नींबू, हरी मिर्च, 500 ग्राम खीमा है ये, 3 पानी से धोली मैं इसको, ऑयल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, मटन मसाला, गरम मसाला। अब इसको बनाने की तैयारी कर ली गई। मैं एक पैन रख लेती हूँ, ऑयल डाले इसमें, हाफ कप के ऑयल डाले, थोड़ा तेल ज्यादा लगता पानी, ऑयल गर्म हो गया ना, मैं खीमा डाल रही हूँ। तीन से चार पानी से धो लेना पानी, इसको थोड़ी देर अपन इसको अच्छे तेल में तल लेना, इसको मिला लेते हैं अपन, इसको अच्छा तल लेना पानी सूखा हुए तक, 2 मिनट तक तलना इसको तेल में। उसके बाद दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे अपन, इसमें पानी बिल्कुल नहीं लगता, जल्दी गल जाता है, पानी डालने की जरूरत नहीं रहती अपन। अगर पानी की जरूरत लगे तो थोड़ा डालना अपन, अगर ये खीमा नहीं गला तो थोड़ा पानी भी ऐड कर ले सकते, लेकिन इसमें गल जाता है। छोटे चम्मच से 1 चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, छोटे चम्मच से डालना पड़ेगा अदरक लहसुन के इसमें जाने के लिए। अपन ऐड कर लेना, ये पहले ऐड कर लेना, मिर्ची नमक भी ऐड कर लेती हूँ, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, एक आपके टेस्ट के हिसाब से डाल लेना, मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, नमक कुछ कम 1 चम्मच, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना नमक। अब इसको चूल्हा सील कर दीजिए। हल्दी पाउडर थोड़ी सी, हल्दी पाउडर डालना, 4 हरी मिर्च डाल लेंगे, पूरा अच्छे टेस्ट देते तक अपन तल लेना, हरा धनिया डाल लेंगे, हरा धनिया, ऐसे मिला लेते हैं, यहाँ पर तल लेना पूरा, इसका तेल छूटे तक तलना पर इसको अच्छा फ्राई हुए तक तलना। अब थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ना शुरू कर जाए, पूरा अच्छे से फ्राई हुए बस गरम मसाले ऐड करना। ये तरीके से बनाना अपन, थोड़ा टाइम लगता है, सिल पर रख के बनाते ना टाइम लगता, लेकिन बहुत जबरदस्त बनता अपन ये तरीके से बनाता। अब तेल फूटना स्टार्ट हो गया ना, मैं अब गरम मसाले ऐड करती हूँ, ये छोटे चम्मच से ऐड कर रही हूँ मैं मसाले, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच मटन मसाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, डालिए बाद अच्छा मिक्स कर लेना अपन मसाले पूरे डालिए बाद। 1 मिनट के बाद मैं बंद कर देती हूँ, अच्छा फ्राई होगा। अब इसको आप देख सकते हो पूरा तेल छूट गया, छोड़ना शुरू कर देना, ये फ्राई होगा। अब मैं चूल्हा ऑफ कर दे रही हूँ, पूरा ऐसा तेल छूटे तक पकाना अपन, जब अपना खीमा रेडी होता। अब ये रेडी होगा, अब मैं चूल्हा ऑफ करके सर्व कर दूँ। थैंक यू दोस्तों, ये खीमा फ्राई बनकर तैयार है। अगर ये मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर में जरूर ट्राई कीजिए, और कमेंट के जरिए भी बताइए कैसी बनी। इंशाल्लाह हाफिज। हेलो व्यूवर्स, मैं हूं आपका दोस्त रफी पटेल। चलिए जानते हैं आज अपन थोड़ी सी हिस्ट्री क्रिस्पी खीमा फ्राई के बारे में। खीमे की ओरिजिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से है। ऐसा माना जाता है कि खीमा वर्ड टर्किश वर्ड कीमा से लिया गया है, जिसका मतलब बारीक कटा हुआ गोश्त होता है। 16th सेंचुरी में खीमे की रेसिपी को इन्वेंट किया गया था मुगल सल्तनत के राज्य में। मिडिवियल पीरियड में खीमा अवधि कसीनी में एक लोकप्रिय नाश्ता था। ये वो समय था जब शाही परिवार अपने खाने पीने के मामलों को अपने प्रशासन की तरह ही गंभीरता से लेते थे। खाना समाज जो रॉयल कुक थे कई मुगल रूलर्स और नवाबों के, जिन्होंने खीमे के कई लाजवाब रेसिपीज को इन्वेंट किया था। इन रेसिपीज को रॉयल कुक बहुत ही प्यार से अपने राजा और उनके दरबारियों और मेहमानों की भूख मिटाने के लिए बनाते थे। खीमा बनाने के सबसे लोकप्रिय तरीकों में से एक सूखा सालन है, जिसको हमने बनाया है।
जिसको ज़्यादातर पराठा या नान के साथ खाया जाता है। खीमा एक ट्रेडिशनल मीट डिश है जो पूरे भारत में बहुत ही लोकप्रिय है। तो ये थी शॉर्ट हिस्ट्री क्रिस्पी खीमा फ्राई के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के डिलीशियस रेसिपीज और इंटरेस्टिंग फूड रिलेटेड हिस्ट्रीज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो व्यूवर्स, आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।